हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके पास किसी भी टाइप का रिटेनिंग वॉल है और उसका वॉल्यूम आप किस तरह से निकाल सकते हैं, वो हम इस वीडियो में निकाल के आपको दिखाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर इस तरह का आपके पास कोई रिटेनिंग वॉल है जिसका आपको वॉल्यूम निकालना है, तो जो ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, इसको मैंने दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है, पार्ट वन प्लस पार्ट टू। पार्ट वन को आप स्लैब बेस बोलते हैं और जो पार्ट सेकंड आपको ये आपका रिटेनिंग वॉल हो गया। स्लैब बेस का काम क्या होता है, जो रिटेनिंग वॉल है उसको स्टेबल रखता है इसके ऊपर। तो स्लैब बेस का वॉल्यूम हम यहाँ पर अलग निकालेंगे और जो आपका रिटेनिंग वॉल है इसका वॉल्यूम अलग निकाल लेंगे। स्लैब बेस का वॉल्यूम आप सबसे पहले किस तरह निकालेंगे, हम आपको वॉल्यूम निकालने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला पता है, लेंथ इनटू हाइट इनटू विड्थ। तो यहाँ पर पूरी सारी डायमेंशंस आपको यहाँ पर दी हुई है, तो इससे आप निकालेंगे स्लैब बेस का वॉल्यूम। उसके बाद निकालेंगे हम रिटेनिंग वॉल का। रिटेनिंग वॉल के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जो टॉप और इसका बॉटम है रिटेनिंग वॉल का, उसकी डायमेंशंस अलग अलग दी हुई है। स्लैब बेस में तो आपको एक ही विड्थ दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो विड्थ हो गई, तो इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला आता है, सरफेस एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल शेप। क्योंकि यहाँ पे आपको ये ट्रेपेजोइडल टाइप का दिख रहा होगा, तो इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी अपॉन टू, इसके साथ हाइट की मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ की, तो आपका वॉल्यूम निकल आएगा। तो कैलकुलेट करते हैं हम इस जो रिटेनिंग वॉल है इसका टोटल वॉल्यूम। तो पहले निकालेंगे हम सबसे पहले स्लैब बेस का वॉल्यूम। उसके लिए फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट हो गया। जो इसकी लेंथ है, लेंथ आपको दी हुई है 10 मीटर, जो विड्थ है 2 मीटर है, और जो हाइट है इसकी 0.2 मीटर दी हुई है। तो इन तीनों को अगर कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसका वॉल्यूम निकल आया आपका 4 मीटर क्यूब। जो आपका स्लैब बेस दिख रहा है, इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, 4 क्यूबिक मीटर निकल आया। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पार्ट टू, जो कि आपका ये रिटेनिंग वॉल आपको दिख रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला पहले बता दिया मैंने, सरफेस एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल शेप ए प्लस बी अपॉन टू इंटू हाइट इंटू लेंथ। तो टॉप इसका ये हो गया, ये इसका बॉटम। टॉप दिया हुआ है आपका 0.30 मीटर और जो इसका बॉटम है इसकी विड्थ है 0.50 मीटर और इसकी हाइट दे रखी है 6 मीटर और इसकी लेंथ होगी 10 मीटर। तो जो ए प्लस बी है, ए आप चाहे 0.3 रख सकते हैं और चाहे 0.50, इन दोनों में से कोई भी आप ए या बी किसी को भी ले सकते हैं। तो ए हम लेके चल रहे हैं 0.30 और बी आपका हो गया 0.50/2 इंटू इसकी लेंथ, हाइट आपको पता है 6 मीटर है और लेंथ होगी 10 मीटर। तो इन सबको कैलकुलेट करके निकल आता आपका 24 क्यूबिक मीटर। तो जो ये आपका रिटेनिंग वॉल है, इसका वॉल्यूम निकल आया 24 क्यूबिक मीटर और जो स्लैब बेस है उसका वॉल्यूम है 4 क्यूबिक मीटर। तो अब टोटल वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वॉल निकालेंगे तो पार्ट वन प्लस पार्ट टू कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ पार्ट वन और वॉल्यूम ऑफ पार्ट टू, तो टोटल निकला है आपका 28 क्यूबिक मीटर।